संथाल परगना का इलाका सशस्त्र क्रांति के बल पर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों के कारखाना के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी यहां के पहाड़ों, जंगलों और कंदराओं में छिपकर बम, पिस्तौल जैसे अस्त्र बनाते थे और ब्रिटानिया हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में इसका उपयोग करते थे। संथाल परगना का इलाका क्रांतिकारियों को इतना प्रिय था कि यहाँ पर उल्हासकर दत्त, अरविंदो घोष और उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष जैसे क्रांतिकारी छिप कर रहते थे और क्रांतिकारियों के लिए बम और पिस्तौल जैसे अस्त्र का निर्माण करते थे। यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुजफ्फरपुर बम कांड में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जिस बम का प्रयोग किया था उसका निर्माण भी संथाल परगना की पहाड़ी में ही हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में संथाल परगना में ही बम का मैन्युफैक्चर हुआ था। उल्हासकर दत्त ने और वारिंद्र घोष जो अरविंद घोष के भाई थे उन लोगों ने मिल करके इस बम का आपको बनाया था डिगरिया पहाड़ पर और इसी बम का प्रयोग जो है सो प्रफुल्ल चाकी और बटुकेश्वर दत्त ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में किया था। बनों और पहाड़ों से घिरा होने के कारण संथाल परगना का क्षेत्र क्रांतिकारियों को अतिशय प्रिय था। यही कारण था कि क्रांतिकारी यहां छुपकर क्रांति में प्रयुक्त होने वाले बम और पिस्तौल आदि बनाया करते थे, लेकिन तब यहां के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि अंग्रेज जो जासूसी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं उनके जासूसों तक को भी इसकी भनक नहीं मिली, लेकिन जब यहां बनाए गए बम मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने प्रयोग किए तो इसके धमाके से किंग्सफोर्ड तो बच गया लेकिन अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।